हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। आज हम टॉरेट क्लैंप एरर अलार्म सॉल्व करेंगे जो कि सीएनसी एक्सीडेंट होने के बाद आया है। एक्स्ट्रा मटेरियल होने के कारण सीम और इंसर्ट टूट गया है और साथ ही साथ टॉरेट का क्लैंप पोजीशन शिफ्ट हो गया है जिसके कारण टॉरेट क्लैंप एरर अलार्म आ रहा है। ये देखिए, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं टॉरेट क्लैंप एरर अलार्म, और इसके साथ साथ टॉरेट प्रॉपर हमारा इंडेक्स हो रहा है। अलार्म मशीन ऑन करने के बाद रिमूव नहीं हो रहा है और ना ही रिसेट करने पे हो रहा है। इसके लिए हम सबसे पहले सिस्टम प्रेशर चेक करेंगे जो कि 38 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। सिस्टम प्रेशर प्रॉपर था, उसके बाद भी ये अलार्म सॉल्व नहीं हो रहा है। ये देखिए, अलार्म कंटिन्यू ब्लिंक कर रहा है, रिसेट करने पे भी अलार्म ये सॉल्व नहीं हो रहा है। टॉरेट क्लैंप होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि प्रेशर कम, रिले ख़राब होना, वायर ख़राब होना, प्रॉपर क्लैंप ना होना, सिग्नल मिसिंग, काफ़ी सारे रीज़न हैं। इसके बाद हम मशीन को बंद कर रहे हैं। मशीन को बंद करके सबसे पहले रिले चेक करेंगे। रिलो को आपस में हम इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करने के बाद अगर ये अलार्म सॉल्व होगा तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि रिले की प्रॉब्लम है। यहाँ पे 9 नंबर और 10 नंबर रिले लगे हुए हैं जो कि क्लैंप और डिक्लैंप के हैं। हम इनको आपस में इंटरचेंज करेंगे। 9 नंबर और 10 नंबर को रिले को निकाल के 4 और 16 नंबर वाले रिले से चेंज कर देंगे। ये देखिए, हमने दोनों रिले निकाल दिया है, 9 नंबर और 10 नंबर को, और इसके बाद 4 नंबर वाले रिले को निकाल के 9 नंबर में लगा देंगे और 16 नंबर वाले को 10 में लगा देंगे। ये देखिए, हम अभी 9 नंबर में लगा देंगे और जो 9 नंबर और 10 नंबर के निकले हैं उनको 4 और 6 में लगा देंगे। अगर रिले की प्रॉब्लम होगी तो टॉरेट क्लैंप एरर अलार्म सॉल्व हो जाएगा और उसके साथ दूसरा अलार्म आने लगेगा। अगर आप लोग हमारे इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। टॉरेट क्लैंप एरर अलार्म की वीडियो हमने ऑलरेडी पहले बना के रखी है, जिसमें से जो कंडीशन अभी हो रही है, जैसा कि अभी टॉरेट इंडेक्स हो रहा है लेकिन उस टाइम पे इंडेक्स नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे जो इमरजेंसी एलिमेंट लगे हुए हैं उसका प्रॉब्लम था। अभी यहाँ पे हमारा टॉरेट प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है लेकिन क्लैंप एरर अलार्म सॉल्व नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले हमने हाइड्रोलिक प्रेशर चेक किया है और सेकंड स्टेप में रिले चेक किए हैं। अभी हम मशीन को ऑन करके चेक करेंगे। अगर अलार्म सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ पे रिले के इशू होगा, अगर सॉल्व नहीं होगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम जो उसकी सोलेनॉइड वॉल्व लगी होती है उनको चेक करके दिखाएंगे। ये देखिए, हम मशीन ऑन करने जा रहे हैं। हमने मशीन ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद देखेंगे कि अलार्म सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अलार्म सॉल्व हो जाता है तो रिले का इशू होगा, अगर अलार्म सॉल्व नहीं होगा तो हम उसके बाद सोलेनॉइड वॉल्व चेक करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए, हमारी मशीन ऑन हो रही है। मशीन हमारी ऑन हो चुकी है। ऑन होने के बाद भी टॉरेट क्लैंप एरर अलार्म आ रहा है। ये देखिए, मशीन को मैं कंटिन्यू रिसेट और अलार्म रिसेट कर रहा हूँ, उसके बाद भी मशीन का अलार्म रिमूव नहीं हो रहा। अब इसके बाद टॉरेट के ऊपर जो कवर लगा रहता है, टॉरेट के कवर को हम खोलेंगे और यहाँ पे जो सोलेनॉइड वाल्व लगी होती हैं इनमें हम प्रॉपर सप्लाई चेक करेंगे। यहाँ पे 4 सोलेनॉइड वाल्व लगी हैं, एक है टॉरेट अनक्लैंप की, ये सेकंड वाली है टॉरेट क्लैंप की। ये देखिए, हम दिखा भी रहे हैं आप लोगों को, ये है टॉरेट रिवर्स, ये टॉरेट फॉरवर्ड। 4 सोलेनॉइड वाल्व लगी हुई हैं। टॉरेट को हम प्रॉपर इंडेक्स करके चेक करेंगे कि सोलेनॉइड वाल्व में सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देखिए, जैसे हम टॉरेट इंडेक्स बटन प्रेस कर रहे हैं
तो सोलेनॉइड बल्ब हमारी प्रॉपर क्लैंप और डिक्लैंप की प्रॉपर वहाँ पे लाइटें जल रही है, फॉरवर्ड और रिवर्स भी कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉपर सप्लाई आ रही है, यानी हमारे सोलेनॉइड का भी इशू नहीं है। अब इसके बाद हम टॉयलेट की जो प्रॉक्सिमिटी लगी हुई है उसको चेक करेंगे। ये देखिए टॉयलेट को हम प्रॉपर एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज दोनों साइड इंडेक्स करके देख रहे हैं, तो हमारा प्रॉपर सोलेनॉइड बल्ब जल रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे टॉयलेट प्रॉपर इंडेक्स कर रहा है और हमारा जॉग मोड भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन अलार्म ये रिमूव नहीं हो रहा है। तो टॉयलेट के नीचे साइड एक कवर लगा होता है जहाँ पे टॉयलेट के जो नंबर शो करते हैं, एक नंबर दो नंबर करके आठ नंबर तक शो हो रहे हैं, उनके प्रॉक्सिमिटी लगी हुई है। और साथ ही साथ टॉयलेट क्लैंप जो पोजीशन एरर आती है और क्लैंप का जो एरर आ रहा है उसकी भी प्रॉक्सिमिटी लगी हुई है। टोटल वहाँ पे पांच प्रॉक्सिमिटी लगी हुई रहती हैं। अब इसके कवर खोल के हम उसको भी प्रॉपर चेक करेंगे। यहाँ पे चार एलन बोर्ड लगे होते हैं, उनको प्रॉपर खोल के बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद हम प्रॉपर प्रॉक्सिमिटी को चेक करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कवर को बाहर निकाल दिया है। ये देखिए टोटल यहाँ पे पांच प्रॉक्सिमिटी लगी हुई है। यहाँ पे जो पांच प्रॉक्सिमिटी लगी हुई हैं, दो ऊपर साइड है, एक बीच में है और दो नीचे साइड है। जो दोनों ऊपर लगी हुई है और जो नीचे लगी हुई है वो टॉयलेट के नंबर को शो करती हैं, और ये जो बीच में लगी हुई है ये टॉयलेट क्लैंप टॉयलेट पोजीशन को शो करती है। यहाँ पे जो नंबर वाली प्रॉक्सिमिटी है प्रॉपर जल रही है, और कंटिन्यू में इंडेक्स करके भी दिखा रहा हूँ, बीच वाली जो क्लैंप वाली प्रॉक्सिमिटी है वो बंद है। ये देखिए प्रॉपर इंडेक्स करके भी दिखा रहे हैं। टॉयलेट हमारा एक्सीडेंट होने के कारण क्लैंप पोजीशन उसका शिफ्ट हो गया है, शिफ्ट होने के कारण अलार्म आ रहा है। पाइप के माध्यम से टॉयलेट को हम ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ प्रेस करके प्रॉपर इसको सेट करेंगे। एक्सीडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि टॉयलेट आपका कितना शिफ्ट हुआ है। यहाँ पे हमारा टॉयलेट लगभग 3 से 4 mm जो उसका पिन की पोजीशन है वहाँ से शिफ्ट हो गई थी, इसलिए हमने टॉयलेट को नीचे की तरफ प्रेस करके सेट करना पड़ा है। ये देखिए जैसे ही हमने नीचे की तरफ सेट करके प्रेस किया है, वहाँ पे हमारा टॉयलेट अपने आप क्लैंप हो गया है और क्लैंप का सिग्नल भी आने लगा है। यहाँ पे हम सीएनसी टॉयलेट को इंडेक्स करके भी देख रहे हैं। यहाँ पे जो टॉयलेट इंडेक्स क्लैंप की प्रॉक्सिमिटी है वो प्रॉपर जल रही है, यानी प्रॉपर हमारा जो ये देखिए मूवमेंट भी हमारा क्लैंप का बढ़ गया है। जो टॉयलेट क्लैंप डिक्लैंप का मूवमेंट होता है वो भी प्रॉपर बढ़ गया है। एक्सीडेंट होने के कारण टॉयलेट का पोजीशन चेंज हो गया था, और जिसके कारण प्रॉपर टॉयलेट अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा था और टॉयलेट क्लैंप का सिग्नल भी प्रॉपर मिल नहीं रहा था। ये देखिए अभी हमारा प्रॉपर टॉयलेट इंडेक्स हो रहा है। इंडेक्स होने के बाद प्रॉपर हमारा क्लैंप हो रहा है, और साथ ही साथ जो क्लैंप पोजीशन का सिग्नल है वो भी प्रॉपर आ रहा है। ये देखिए हम फॉरवर्ड रिवर्स करके भी प्रॉपर दिखा रहे हैं, उसके बाद हम अलार्म को दिखाएंगे। ये देखिए प्रॉपर हमारा टॉयलेट रेडी हो गया है, लेकिन अभी हमारा अलार्म यहाँ पे रिमूव नहीं हुआ है, इसके लिए हमें मशीन को ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने सीएनसी की पूरी सप्लाई बंद कर दिया है, और उसके बाद सीएनसी की सप्लाई ऑन कर रहे हैं। ऑन करके ये देखिए सीएनसी ऑन कर रहे हैं, सीएनसी ऑन करके अलार्म को रिमूव करके दिखाएंगे। ये देखिए मशीन ऑन हो रही है प्रॉपर, वहाँ पे मैंने सिग्नल भी अभी दिखाया, प्रॉपर सिग्नल भी आ रहा है। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।
ये देखिए मशीन ऑन हो रही है। ये देखिए मशीन हमारी ऑन हो चुकी है, और ये हमने मशीन ऑन बटन जैसे ही प्रेस किया तो अलार्म हमारा रिमूव हो गया है, और यहाँ पे भी प्रॉपर सिग्नल आ रहे हैं। अभी हम टॉयलेट को इंडेक्स करके दिखाएंगे। ये देखिए जैसा कि आप लोग देख रहे हैं टॉयलेट हमारा प्रॉपर इंडेक्स हो रहा है। इसके बाद हम वो पार्ट दिखाएंगे जिस पार्ट पे हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल था और टॉयलेट की पोजीशन शिफ्ट हो गई थी, साथ ही साथ इंसर्ट और सिम टूट गई थी। ये हमारा पार्ट है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल के कारण हमारा टॉयलेट की पोजीशन शिफ्ट हो गई थी और सिम इंसर्ट दोनों टूट गया था। इसके बाद हमने टॉयलेट के ऊपर जो कवर लगे होते हैं उसको प्रॉपर कवर को टाइट कर दिया है। अलार्म रिमूव होने के बाद सबसे पहले एक्स और जेड का अलाइनमेंट सेट किया है। एक्स और जेड का अलाइनमेंट सेट करने के बाद मशीन को रन करके भी दिखा रहे हैं। ये देखिए हमने साइकिल ऑन किया है, ये हमारा प्रोग्राम है। हमने पूरे प्रोग्राम को सबसे पहले ऑफसेट भी लिया है, प्रॉपर ऑफसेट भी सेट किया है। इस तरह हमारी मशीन वर्किंग के लिए रेडी हो गई है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।